नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल नेचर्स लवर का हिंदी वर्जन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट की, जो कि है जेट का पौधा, जिसे मैजिकल प्लांट भी कहा जाता है। मैजिकल प्लांट कहने का रीज़न ये होता है कि आप इसे किसी भी शेप डिज़ाइन में इसको ग्रो कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरा पौधा देखने में कितना खूबसूरत, और हालांकि ये भी फुल ग्रोथ पे रही है, मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया था क्योंकि इसका मदर प्लांट मेरे इस बरसात के सीज़न में सर्वाइव नहीं कर पाया। हालांकि इस बरसात के सीज़न में मेरे कई पौधे डेड हो गए, सर्वाइव नहीं कर पाए बरसात के कारण, क्योंकि मैं उनका कुछ खास ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन मैंने उसकी कटिंग निकाल ली थी ताकि मैं उसका बैकअप बना सकूँ, और उसकी एक लंबी सी डंडी मैंने ग्रो की है जो कि अभी डोरमेंसी पीरियड में था, लेकिन अभी उसने फरवरी में जैसे ही गर्मी उसको हल्की सी मिली तो वो ग्रो करना स्टार्ट हुआ है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि इसकी पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई हैं, ये देखिए, और उस वजह से ये पौधा मेरा इतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ है अभी। लेकिन 2-3 महीने के बाद जब ये अच्छा खासा शेप ले लेगा तब मैं आपके साथ ज़रूर इस पौधे को शेयर करूँगा। हालांकि इस पौधे की मैंने 3 प्लांट मैंने बनाए थे जो कि तीनों सरवाइव कर गए हैं। ये देखिए, देखने में फिर भी काफ़ी खूबसूरत है अभी भी, कंडीशन बुरी होने के बाद भी आप कह लीजिए कि उतना बुरा नहीं है। देखिए कंडीशन इसने अपने आप को बचा लिया है। ये एक बहुत ही हार्डी नेचर का सकुलेंट प्रजाति का पौधा है, जिसे कुछ खास केयर की आवश्यकता नहीं होती है। बस इसकी मिट्टी जो होती है पोरस होनी चाहिए, मींस जब भी आप इसमें पानी दें तो पानी गमले में ठहरना नहीं चाहिए। अगर पानी गमले में ठहरेगा तो वो जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा और रूट रॉट होकर पौधा डेड हो जाएगा, और यही गलती मैंने इस पिछली बरसात में की, तो उसके कारण मेरे कई कैक्टस और कई अन्य पौधे भी सर्वाइव नहीं कर पाए, जिसका मुझे काफ़ी दुख रहा है। तो ये देखिए मेरा ये दूसरा पौधा है जेट का, और इस पर कुछ आई थिंक ये गमला गिर गया था, तो मतलब दूसरे पॉट में लगा था तो गिर गया था, तो इसकी कुछ डालें उखड़ गई हैं, कट गई हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैंने इसको हटाया नहीं, मैंने अपने पास रखा क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरे पौधे नहीं है जेट के, और कहीं ख़त्म ना हो जाए इसकी वैरायटी, तो इस वजह से मैंने इसे लगाया। और मैं सोचा चलो इसको इसी शेप में डेवलप करेंगे। और अब इसकी मिट्टी की बात कर लीजिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये सकुलेंट प्रजाति का पौधा है, तो ये खुद अपने अंदर इतना पानी स्टोर करके रखता है कि मुसीबत में जब पानी इसको ना मिले तब ये उससे अपना गुजारा कर सके। तो इस वजह से इसकी मिट्टी में आप कह लीजिए कि 40% आपकी रिवर सैंड हो गई, और 40% आप मान लीजिए गार्डन सॉइल 40 या 30%, और बची 20 या 30% आपका गोबर की सड़ी हुई खाद। तो देखिए फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे है, लेकिन इसके पत्ते मुरझाएं, लेकिन ये 10 दिन के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा। और मैं कभी कभी इसमें एक चीज़ और डाल देता हूँ, जो अंडे होते हैं ना, अंडे के छिलके को क्रश करके उनको इस पर मतलब डाल के गुड़ाई कर देता हूँ ताकि उनको कैल्शियम की कमी भी ना हो, और कभी कभी DAP कुछ दाने, और हालाँकि इस पर तो मैंने कभी यूरिया नहीं डाली है, और इस बार मैं सोचा था इस पर ट्राई करूँगा क्योंकि काफ़ी ग्रोथ इनकी स्लो चल रही है। तो DAP के दाने तो मैंने हफ्ते भर पहले दिए थे, और तो वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करूँगा। ये देखिए देखने में काफ़ी वो पौधा डिस्टर्ब हो गया है, और देखने में भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरा फेवरेट पौधा है तो मैं उसको हटाना नहीं चाहता हूँ। और ये देखिए तीसरा पौधा मैंने एक बॉटल में कट करके लगा रखा था, वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी मैंने फुल सनलाइट में ही रखा था तो उसकी पत्तियाँ काफ़ी ब्राइट हो गई हैं कंपेयर टू ये दोनों गमले की पत्तियाँ भी मुरझाई हुई हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, अभी तो इतनी खूबसूरती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे, इसकी पत्तियाँ मोटी हो जाएंगी, गद्दी स्पंज टाइप। तो आशा करता हूँ कि सभी पॉइंट मैंने कवर कर लिए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।